बिन माँ की बेटी पर अत्याचार। एक समय की बात है, एक गांव में महेश अपनी बहन सुमन के साथ रहा करता था और महेश के पिता के देहांत के बाद महेश की माँ सुमन को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और तब से महेश ने अकेले ही सुमन का पालन पोषण किया था। लेकिन जैसे जैसे सुमन बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसे अपनी माँ की कमी भी महसूस हो रही थी। और ये बात जब महेश को पता चलती है तो वो अपनी बुआ से कहकर गायत्री नाम की एक लड़की से शादी करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे लगता था कि गायत्री के आ जाने से सुमन को माँ की कमी महसूस नहीं होगी और गायत्री उसे माँ की तरह ही प्यार करेगी। तभी ऐसे ही एक दिन, अरे सुमन क्या कर रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं भैया, वो तो बस ऐसे ही, आप बैठो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा पानी तो मैं पी लूँगा, लेकिन पहले तुम इधर आओ। और तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसी समय वहाँ पर महेश की बुआ सुमित्रा आती है और कहती है, अरे महेश बेटा शादी की सारी तैयारियाँ हो गई है, तुम बस कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है। ठीक है बुआ, मैं तैयार हो जाऊंगा। और सुमन तुम भी जल्दी से तैयार हो जाना क्योंकि कल तुम्हारी भाभी माँ शादी करके यहाँ आ रही है और मुझे खुशी है कि अब तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। और ऐसे ही अगले दिन जब वो लोग मंदिर जाते हैं तो वहीं पर महेश और गायत्री की शादी हो जाती है। और जब महेश गायत्री को लेकर घर आता है तो सुमन उसे बहुत डरी डरी रहने लगती है। और जब महेश अपने काम पर चला जाता है तो सुमन अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय गायत्री उससे कहती है, अरे ओ महारानी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं भाभी, वो तो बस मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अरे आज से तेरे स्कूल जाना बंद, इसलिए चुपचाप से अपना बैग उतार और रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर ला, समझी? लेकिन भाभी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है क्योंकि अभी तक तो भैया ही खाना बनाया करते थे। अरे नहीं आता तो बनाना सीख ले, क्योंकि आज से तेरे भैया तेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे और न ही मैं, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तू चुपचाप से खाना बनाकर वहीं ले आना। और एक बात और, अगर तूने ये बात अपने भैया को बताई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं भाभी ऐसा मत करना, मेरा मेरे भैया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सुमन रसोई में चली जाती है और पहले दिन ही अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर सुमन अपने मन ही मन कहती है, मैंने जैसा सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही है और टीवी में भी तो यही दिखा रहा था कि उस बिन माँ की बेटी पर उसकी भाभी कितना अत्याचार करती है, उससे घर का सारा काम करवाती है और एक दिन उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देती है। और अगर मैंने भी काम नहीं किया तो शायद भाभी मुझे भी इस घर से निकाल देगी, इसलिए मुझे चुपचाप रहकर ही घर का सारा काम करना होगा। उसी समय गायत्री फिर से वहाँ आती है और कहती है, अरे क्या हुआ महारानी, इतनी देर हो गई अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस भाभी अभी बना कर लाई। तभी सुमन जैसे तैसे करके खाना बनाकर गायत्री के कमरे में लेकर आती है और उसे देती है। लेकिन खाना देखते ही गायत्री उससे गुस्से में कहती है, अरे ये कैसी जली जली रोटियां बना कर लाई है और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा ये जला हुआ खाना खाऊंगी? रुक जा अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर गायत्री सुमन को जोर से थप्पड़ मारती है और सुमन जोर से चिल्लाती हुई कहती है, भाभी मत मारिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अरे सुमन क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? दरअसल सुमन ने जो कुछ भी अभी तक देखा वो सिर्फ एक सपना था, क्योंकि सुमन के मन में उसकी भाभी को लेकर जो छवि थी कि वो उसके घर में आते ही उस पर अत्याचार करने लगेगी और ऐसा ही आजकल टीवी सीरियल्स में भी दिखता है। और यही सब देखकर सुमन के मन में एक डर बैठ जाता है कि उसकी भाभी भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे सुमन बोलो ना क्या हुआ और तुम नींद में बार बार मुझे क्यों बुला रही थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है सपना की वजह से तुम बहुत घबरा गई हो। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर सुमन अपने मन में सोचती है, क्या सच में ये कोई सपना था और मैं इस समय बिस्तर पर हूँ, इसका मतलब ये एक सपना ही था। लेकिन फिर भी मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहीं कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करने लगे तो।
सुमन इतना सोच ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पर उसका भाई महेश आता है और कहता है, अरे नंद भाभी में क्या बातें चल रही है? अरे कुछ नहीं, बस शायद सुमन ने सोते हुए कोई बुरा सपना देख लिया, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई है। पर अब बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे सुमन, तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, वो बस एक बुरा सपना था इसलिए थोड़ा सा घबरा गई थी। अरे सुमन, तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना, तुम कैसे डर सकती हो? और इस तरह गायत्री सुमन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसकी बिल्कुल माँ की तरह ही देख रेख किया करती थी। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में सुमन का जन्मदिन आने वाला होता है, लेकिन सुमन ने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, इसलिए उसे अपने जन्मदिन के लिए कोई भी उत्साह नहीं होती थी। लेकिन जब गायत्री को सुमन के जन्मदिन के बारे में पता चलता है तो वो महेश से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हम इस बार सुमन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएं और उसके सारे दोस्तों को भी खाने पर बुलाए, इसलिए जन्मदिन की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी और सुमन के मनपसंद के सभी पकवान बनाऊंगी। और मैंने मोबाइल फोन पर एक बार केक बनाना सीखा था, इसलिए मैं सुमन के जन्मदिन पर अपने हाथों से केक बनाऊंगी और ये सब देखकर सुमन कितनी खुश हो जाएगी ना। सच में गायत्री, तुम्हारे मन में सुमन के प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम जैसा चाहती हो वैसा करो, मैं तो बस अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस बार मेरी नंद का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन ये बात आप अभी सुमन को मत बताना वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और इस तरह गायत्री सुमन के जन्मदिन को लेकर बहुत खुश होती है और वो सुमन का जन्मदिन बहुत ही यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन इस बारे में सुमन को जरा से भी भनक नहीं थी कि उसका जन्मदिन इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, इसलिए गायत्री सुमन को किसी बहाने से बुआ के घर भेज देती है और पीछे से सारी तैयारी करने लगती है। और कुछ ही देर में गायत्री जन्मदिन की सारी तैयारियां कर लेती है और पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से सजा देती है। और कुछ देर बाद जब सुमन अपनी बुआ के साथ घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर में उसके सारे दोस्त मौजूद होते हैं और वो उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, और ये सब देखकर सुमन हैरान हो जाती है। उसी समय सुमन की बुआ कहती है, अरे गायत्री बहू, इससे ज्यादा मैं सुमन को अपने घर नहीं रोक सकती थी क्योंकि ये बार बार घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन तुमने सारी तैयारियां कर ली ना? हाँ बुआ जी, सुमन के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई है। और सुमन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, अपने जन्मदिन का केक काटो। क्या, मेरा जन्मदिन? लेकिन मैंने तो आज तक कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया और मेरे जन्मदिन पर इतनी सारी तैयारियां, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुमन मेरी बहन, तुम्हारे जन्मदिन की ये सारी तैयारी तुम्हारी भाभी ने की है क्योंकि गायत्री चाहती थी कि इस बार तुम्हारा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाए। भाभी, क्या आपने ये सब मेरे लिए किया है? हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं करूँगी, तो मेरी इतनी प्यारी सबसे छोटी नंद जो हो। सच में सुमन बेटा, तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है और बड़ी ही किस्मत वालों को ऐसी भाभी माँ मिलती है। अपनी बुआ की बातें सुनकर सुमन की आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसके मन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो भागकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है। और गायत्री भी उसे बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करती है और वो अपनी भाभी माँ के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। अनाथ बच्चों का जादुई मिट्टी का घर। लखनपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके दो बच्चे थे, चिंटू और पायल। मोहन जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वही कमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी। और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मोहन और उसकी पत्नी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और उनके जाने के बाद चिंटू और पायल अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता और धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है,
और हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर चिंटू रोने लगता है। उसी समय पायल कहती है, चिंटू इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। उसके बाद पायल बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांगकर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, चिंटू हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं, इस तरह हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से पायल मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और चिंटू भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वो लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वो बर्तन कोई नहीं खरीदता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बिल्कुल नहीं होती। तभी एक दिन पायल कहती है, सुनिए काका आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना, हम दोनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरे ये मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आती, मुझे नहीं चाहिए तेरे ये बर्तन, और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो तेरे ये सारे बर्तन उठाकर तोड़ दूंगा, समझी? काका की ऐसी बातें सुनकर पायल दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी चिंटू पायल से कहता है, दीदी हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा? नहीं चिंटू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी। इतना कहकर जब वो लोग जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं, उसी समय पायल को किसी के कहराने की आवाज सुनाई देती है। चिंटू मुझे लगता है कोई दर्द से कराह रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ क्या हुआ आपको? उसके बाद पायल उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दादी माँ आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हैं। लेकिन बच्चों तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचती हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारी ये मेहनत किसी को नजर ही नहीं आती, कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत पायल के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरतों की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद पायल और चिंटू मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं जिसमें सारी जरूरतों की चीजें होती है। और जैसे ही वो घर बनकर तैयार हो जाता है वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ बल्कि एक जादूगरनी हूँ और मैं तो तुम लोगों की बस एक परीक्षा ले रही थी
जिसमें तुम लोग पास हो गई, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वो जादूगरनी उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है और ये देखकर पायल और चिंटू बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और ये कोई मामूली घर नहीं है बल्कि एक जादुई घर है, और आज से ये घर तुम्हारा है और इस घर में तुम्हारे जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है। तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसी समय वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और पायल और चिंटू उस घर में जाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरतों की चीजें मौजूद थी और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती, और इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।